तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को बॉलिंग की, यहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने मतलब जय शाह ने बॉलिंग की सौरव गांगुली का, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर दोनों की टीम का मैच चल रहा था, बीसीसीआई प्रेसिडेंट 11 वर्सेस बीसीसीआई सेक्रेटरी 11, और यहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी मतलब जय शाह ने विकेट लिया यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन का, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि यहाँ पर जय शाह को हमने कभी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा और ना ही कभी बॉलिंग करते हुए देखा है। बस हम ये जानते हैं कि जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो गाइस ये मैच चल रहा था ईडन गार्डन्स में, और यहाँ पर कई बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे और बीसीसीआई के सारे मेंबर्स थे वो मौजूद थे, और दोनों को दो टीमों में बांटा गया, एक तो अमित शाह की टीम थी और सौरव गांगुली की टीम थी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियोस न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में जो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द।